हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 12 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका इंग्लिश का सेकंड पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, अदर सब्जेक्ट के पेपर्स को भी सॉल्व नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम्स के पेपर्स को नहीं देखा है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पैसेज को पढ़ने के लिए पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पैसेज काफ़ी लंबा होगा, इसको समझाते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट द सीक्रेट बिहाइंड द वर्ल्ड वाइड सक्सेस ऑफ फ्रेंच कुकिंग। नंबर वन, मैग्निफिशेंट पास्ट, टू क्रिएटिव अपेयरेंस, थ्री सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म, चौथा है फ्रेंच चेफ्स हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर, फ्रेंच चेफ्स हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, द रीजन फॉर द ग्लोबल स्पीड ऑफ फ्रेंच कुकिंग वाज डैश। नंबर वन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टू पब्लिकेशन ऑफ कुक बुक्स, थ्री फ्रेंच कुकिंग फॉर देमसेल्फ, फोर कुकिंग बिगिन टू लाइटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, पब्लिकेशन ऑफ कुक बुक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, शिफ्ट इन फ्रेंच कुकिंग इन पारा फाइव मीन्स। यहाँ पर शिफ्ट इन फ्रेंच कुकिंग का मीन्स पूछा गया है जो पारा फाइव में दिया हुआ है। नंबर वन है चेंज फ्रॉम एवंडेंस टू मॉडरेशन, दूसरा है इन द सेम लाइन, तीसरा है बाइंडिंग, चौथा है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, चेंज फ्रॉम एवंडेंस टू मॉडरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, टू बिकम स्किल्ड इन फ्रेंच कुकिंग रिक्वायर्स नंबर वन चैरिटी, टू शोइंग कंपैशन, थ्री एक्सपर्टाइज इन फंडामेंटल्स, चौथा है सर्वाइवल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, एक्सपर्टाइज इन फंडामेंटल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, डैश लाइंग द फाउंडेशन फॉर मैनी अदर स्टाइल्स एंड स्पेशलिटीज, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। नंबर वन डिटरमाइनर, टू एडजेक्टिव, थ्री प्रोवर्ब, फोर कंजक्शन। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिया, जो लाइन दी हुई है, यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वन, डिटरमाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश वाइडली यूज इन द किचन्स ऑफ द इलाइट एंड वर कंसिडर्ड ए स्टेटस सिंबल। यहाँ पर इलाइट का यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि इसकी जगह पर हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नंबर वन एजुकेटेड, टू चेफ, थ्री एस्टोक्रेट्स, फोर फ्रेंचमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, एस्टोक्रेट्स का हम यहाँ पर इलाइट की जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज हाई क्यू साइन एम्फेसाइज। नंबर वन एवंडेंस, टू क्वांटिटी, थ्री एक्सक्यूसाइट, फोर क्वालिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, विच वर्ड फ्रेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू एक्लेम्ड पारा टू। यहाँ पर एक्लेम्ड का यहाँ पर जो है वो अपोजिट पूछा गया है। नंबर वन है कमेंड, टू एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ, थ्री डिस्टिंग्विश्ड, फोर डेनंसिएटेड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर, डेनंसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, यानी कि यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा पैराग्राफ ये है, आप लोग देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज़ द मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टू इट इज़ आउटडेटेड, थ्री द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, चौथा है देर आर नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत खर्चीली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट स्टॉप्स अस
फ्रॉम बिकमिंग द रियल हायर ऑफ आवर एंसेस्टर्स. नंबर वन, वी आर टू सेल्फ इन्वॉल्व. दूसरा है, वी आर मटेरियलिस्टिक. तीसरा है, वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पास्ट. और चौथा है, वी डोंट इम्बाइव वैल्यू एंड नॉलेज फ्रॉम द पास्ट. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, वी डोंट इम्बाइव वैल्यूज एंड नॉलेज फ्रॉम द पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द टर्म हिटलर स्केल्टर. नंबर वन, केयरफुल. टू, मेथोडोलॉजिकल. तीसरा है, चायोटिक. चौथा है, ऑर्गेनाइज्ड. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, चायोटिक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए है, वी कैन नॉट इग्नोर आवर एंसेस्टर्स. ए वाला सही है. बी है, मॉरल करेक्टर शुड नॉट बिकम ए पर्सनल एसेट. बी वाला भी सही है. राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, ए एंड बी आर राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स समराइजेज द एसेंस ऑफ द पैसेज. नंबर वन है, द फिलोसफी ऑफ द स्कूल रूम इन वन जनरेशन विल बी द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट अब्राहम लिंकन. दूसरा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच क्यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला. तीसरा, एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर, डब्ल्यू वी कीट्स. चौथा है, एजुकेशन इज नॉट मेरली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग एंड एंस्टेन. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर, एजुकेशन इज नॉट मेरली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग एंस्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. एजुकेशन इज बिकमिंग ए रोरिंग बिजनेस. यहाँ पर इज में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नंबर वन, एक्सिलरी वर्ब. टू, नॉन फिनिटिव वर्ब. थ्री, स्टेटिव वर्ब. फोर, इररेगुलर वर्ब. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, एक्सिलरी वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू डिप्रेडेशन एज यूज्ड इन द पैसेज. नंबर वन, ब्लंडर. टू, पिकिंग्स. थ्री, वेस्टो. फोर, डिसोलेशन. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन, ब्लंडर. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. तो चलिए हम लोग पैडागोजी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं. शंबन हैंडेड ओवर ए लीफ लेट टू यू इन द स्ट्रीट. विच रिगार्डिंग विच रीडिंग टेक्निक विल यू यूज टू रीड इट. नंबर वन, इंटेंसिव रीडिंग. टू, स्कैनिंग. थ्री, प्री रीडिंग. फोर, स्कीमिंग. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, स्कीमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर रीडिंग. नंबर वन, रीडिंग इज जस्ट डिकोडिंग सिम्बल्स. टू, रीडिंग इज अटरिंग द नेक्स्ट करेक्टली. थ्री, रीडिंग इज कॉम्प्रीहेंडिंग द टेक्स्ट. चौथा है, रीडिंग इज मेमोराइजिंग द स्पेलिंग्स इन द टेक्स्ट. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, रीडिंग इज कॉम्प्रीहेंडिंग द टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू. नंबर वन, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद द टेक्स्ट. दूसरा है, समराइज द टेक्स्ट. तीसरा है, प्रिपेयर द लर्नर्स टू मेमोराइज द टेक्स्ट. और चौथा है, मेक द लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद द टेक्स्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, फ्री राइटिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स एट व्हाट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस. नंबर वन, एडिटिंग स्टेज. टू, प्रूफ रीडिंग स्टेज. थ्री, रिव्यूइंग स्टेज. फोर, प्री राइटिंग एंड डिस्कवरी स्टेज. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, प्री राइटिंग एंड डिस्कवरी स्टेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज यूजफुल ड्यूरिंग प्री राइटिंग स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस. नंबर वन, माइंड मैपिंग. टू, समराइजिंग. थ्री, नोट मेकिंग. फोर, एडिटिंग. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, माइंड मैपिंग. नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज इज. नंबर वन, मॉर्फेम. टू, सेमनेटिक्स. थ्री, फोनेम. फोर, सिंटैक्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, फोनेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन,
ए टीचर बिलीव्स डैट ह्यूमन्स आर बॉर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, सो हर बिलीफ अगेंस्ट अलाइंस विद नंबर वन ऑपरेंट कंडीशनिंग टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थ्री नेटिविज्म, फोर रेनफोर्समेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेटिविज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, ऑल इन्फेंट्स को एंड वेबल, दिस इज सपोर्टेड बाई विच थ्योरेटिकल प्रस्पेक्टिव। नंबर वन बिहेवियरिस्ट थ्योरी, टू नेटिविस्ट थ्योरी, थ्री ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, फोर कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेटिविस्ट थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, गीत इज फ्लुएंट इन फाइव डिफरेंट लैंग्वेज, सो सी मे बी कॉल्ड ए नंबर वन बिलिंगुअल स्पीकर, टू पॉलीग्लॉट, थ्री मोनोलिंगुअल स्पीकर, फोर लिंग्विस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। नंबर वन ऑल इंडिविजुअल्स लर्न लैंग्वेज एट द सेम पेस, टू एन इंडिविजुअल कैन लर्न ए लैंग्वेज एट ए यंगर एज, तीसरा है एन इंडिविजुअल कैन लर्न टू लैंग्वेज इन हिज हर लाइफ टाइम, फोर है एन इंडिविजुअल कैन लर्न ए लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज ईजियर टू डू सो एट ए यंगर एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, एन इंडिविजुअल कैन लर्न ए लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज ईजियर टू डू सो एट ए यंगर यंगर एज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, साधना ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स हैज विजुअल डेफिशिएंसी, विच स्ट्रेटजी विल यू फॉलो एज ए लैंग्वेज टीचर। नंबर वन रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर, टू ट्रीट द नॉर्मली एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, थ्री है रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू शिफ्ट हर टू स्पेशल स्कूल, फॉर एक्सक्यूज हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ट्रीट हर नॉर्मली एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, यू आर रीडिंग द रेसिपी जस्ट बिफोर कुकिंग, विच रीडिंग टेक्निक विल यू यूज। नंबर वन एक्सटेंसिव रीडिंग, टू स्कैनिंग, थ्री प्री रीडिंग, फोर स्कीमिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्कैनिंग। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। नंबर वन इट इंक्लूड्स स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, टू इट लैक्स रेपिटेशन, थ्री इट इज रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, फोर इट इज मीन्ड फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, इट इंक्लूड्स स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेज। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर लैंग्वेज लर्निंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज विच क्लासरूम प्रैक्टिस कैन बी फॉलोड। नंबर वन कोरस रीडिंग ऑफ ए चैप्टर स्टोरी इन ए टेक्स्ट बुक बाई द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द टीचर, टू प्रैक्टिसिंग pronunciation of difficult words, three memorizing and reciting poems by the children, four conducting role play activity on stories children like। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कंडक्टिंग रोल प्ले एक्टिविटी ऑन स्टोरीज चिल्ड्रन लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड इन ए क्लास इज नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली, टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन एंड हेल्प हर टू रीड बाई प्रोवाइडिंग क्यूज। इन वाइगोस्की'ज व्यू दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज नंबर वन रेनफोर्समेंट, टू स्कैफोल्डिंग, थ्री कंडीशनिंग, फोर मॉडलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।